परिवर्तन का युग है, परिवर्तन का हम हिस्सा हैं, परिवर्तन हमें करना होगा, जीवन में परिवर्तन लाना होगा। शुभ के लिए तैयार हो जाइए, अशुभ को छोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। देख लीजिए आपके पुराने पीले पत्ते कौन से हैं जिन्हें झड़ जाना चाहिए, और कौन सी नई कौंपले आपके जीवन में फूटनी चाहिए, उसकी आप क्या तैयारी करेंगे। तो एक चीज ये भी हुई, आलस्य हुआ, प्रमाद हुआ, बिस्तर में आपको जीतना है और अपने नियमों के प्रति सजग होना है, और एक अनुशासन आपने आज से अपनाना है। दूसरा आपके ऊपर शासन करे उसके बजाय आप खुद पर शासन करना शुरू करें। यहां तक हम लोग पहुंचे, अब आगे बढ़ रहे हैं। अगली बात है जिसे मैं और आपको याद कराना चाहता हूं, ये विकास का युग है, तो या तो आगे बढ़िए, विकास कीजिए, नहीं तो विनाश अपने आप होता है। या तो आगे बढ़ो नहीं तो पीछे रह जाओगे। जिंदगी है दौड़तों के साथ दौड़ना, और हिम्मत है तो दौड़तों के साथ दौड़ते हुए आगे निकलना, ऐसे समझिए। हर दिन जंगल में शेर भी जागता है, बकरी भी जागती है, हिरण भी जागता है, खरगोश भी और जीव जंतु भी। जागते ही क्या सोचना होता है, शेर सोचेगा इतनी तेजी से आज दौड़ना है कि शिकार पकड़ा जा सके। आलस्य करने की कोई जगह है नहीं, अगर किया तो भूखे मरे। बात को समझने की चेष्टा करना। शेर सोचता है कि आलस्य की कोई जगह नहीं है, दौड़ना पड़ेगा और इतना तेज दौड़ना पड़ेगा कि शिकार से तेज दौड़े और शिकार को पकड़े। हिरण सोचता है जीना भी है बचना भी है, और खुद को इतना तैयार भी रखना है कि जिसका हम शिकार बन सकते हैं उसके शिकार ना बने, इतना तेज दौड़े कि पकड़ में ना आए। दौड़ना दोनों को है, एक की जान जाएगी दूसरा भूखा मरेगा। तो अगर एक की जान गई तो दूसरे का पेट भरता है, और दूसरा अगर अपने को बचाने में सफल हो जाता है तो जो शिकार करने जा रहा था वो भूखा मरेगा। तो सीधी सी बात यह है कि इतना तेज दौड़ो कि समस्याएं भूखी मर जाएं। बात को समझना, समस्याएं भूखी मर जाएं, इतना तेज दौड़ो, और अगर आप समस्या का पेट भरने में लग गए तो खुद मारे जाएंगे। इसलिए आपको रोज तेज दौड़ना ही होगा और जीतना ही होगा। ये एक वाक्य है जिसे आपको याद रखना है, क्योंकि ये आसानी से समझ में नहीं आएगा। समस्याएं आपको खा लेना चाहती हैं, ऐसा समझ लीजिए। आप अगर ढीले पड़े तो वो खा जाएंगे, उनका पेट भरेगा। अगर आप ढीले पड़ गए तो समस्याओं का पेट भर जाएगा और आप मिट सकते हैं, और अगर आप तेज दौड़े तो समस्या भूखी मरेगी और आप जिएंगे और मुस्कुरा करके जिएंगे। इसलिए आपको जीतना है और हर रोज आपको दौड़ते रहना, कर्म करते रहना, कर्म से पीछे नहीं हटना। कर्म करते रहेंगे तो विकास होता रहेगा। तो मैं ही, मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों है, मुझे इतना क्यों करना पड़ता है, सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर क्यों है, सारी दुनिया आराम कर रही है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, इस तरह की बातों के लिए जगह मत रख लीजिए अपने पास। क्योंकि जो ये सोचता है आराम कर लें बैठ जाएं, वो आराम नहीं है। ये ऐसे यात्री का आराम है जिसे चलना भी है, आराम भी करना है, और संसार के दृश्य भी देखने हैं, और यात्रा भी आगे जारी रखनी है, जिम्मेदारियां भी निभानी। इसका नाम है जीवन। ये जीवन ऐसा नहीं है कि आप कहीं खाट पर लेट कर कह दें बस लेटे लेटे ही जिंदगी पूरी हो जाए। ना लेटे रहने में आनंद है और ना दौड़ते रहने में आनंद है। हर चीज समय के साथ ठीक रहती है, मतलब आराम भी कीजिए, चलिए भी सही, जिम्मेदारियां भी निभाइए। और कब तक, जब तक सांस चलती है तब तक,
और आप कहें ऐसा निभेगा कब तक, जब तक निभे तब तक चलते ही जाना है, रुकना नहीं। जो लोग ये सोच जाते हैं कि हमें बहुत करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है, तो आप ये मानिए आप भाग्यशाली हैं, आपको करना पड़ रहा है। याद रखिए जब तक आप चलते रहेंगे आपके प्राण साथ देते रहेंगे, आपकी जिंदगी साथ देती रहेगी। जिस दिन आप आलसी बनकर आराम पसंद बनकर बैठ जाएंगे तो सुविधा भोगने का शुल्क कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। सार में ये हुआ, चलते रहिए, कर्म करते रहिए, जीतते रहिए, विकास करते रहिए और आनंद मनाते रहिए। क्योंकि आप मजदूरी करने के लिए कर्म करेंगे तो मजदूर बनकर अगर आप करेंगे तो दुखी होते रहेंगे। आप मजदूर बनकर नहीं, आप मालिक बनकर काम कीजिए, अपने कर्म का आनंद लीजिए। सिर पर कोई पीछे से डंडा मारने आ रहा है इस तरह से मत भागिए, आनंद लेते हुए चलिए। और ये सोचते हुए कि जब तक मैं दुनिया में हूं किसी का मोहताज नहीं रहूंगा, जब तक इस दुनिया में हूं तब तक हाथ नहीं फैलाऊंगा, और जब तक दुनिया में हूं मेरी खुशी दूसरों पर नहीं टिकेगी। ये बात भी पकड़ लेना, आपकी खुशी अगर दूसरों पर निर्भर करती है तो दूसरे बदल जाएंगे और आपकी खुशी गई। मेरी खुशी मेरे बच्चों पर टिकी है, बहू पर टिकी है, बेटे पर टिकी है, भाई पर टिकी है, पत्नी पर टिकी है। अब उनका मूड ठीक है तो मेरी खुशी ठीक, बहू ने कुछ गड़बड़ किया तो सास ससुर दोनों की खुशी गई। मतलब जिस पर भी आपकी खुशी टिकी है, अगर बहू की खुशी सास पर टिकी हुई है तो सारा दिन सास का मूड देखेगी, मूड ठीक है तो हम भी ठीक। जिसकी खुशी दूसरों पर निर्भर करती है उसकी खुशी सच्ची खुशी नहीं है, जिसकी खुशी खुद पर टिकी हुई है उसकी खुशी सच्ची खुशी है, और जिसकी खुशी परमात्मा पर टिकी हुई है उसकी खुशी कभी छिन नहीं सकती। इसलिए जैसे वो रखे रहेंगे, जैसे खिलाएगा खाएंगे, जैसे देगा लेंगे, जैसे चलाएगा चलेंगे, जैसे वो मानता है उसकी मर्जी वैसे हम मानने को तैयार। तो दूसरों पर निर्भर नहीं रहना। तो हमने ये समझा, परिवर्तन का युग है, विकास का युग है। जब तक हम जिएंगे विकास करते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, रुकना नहीं जानेंगे। हम किसी पर निर्भर होकर नहीं जिएंगे, हम सबके लिए होंगे, सब हमारे लिए हो ना हो पर हम सबके लिए कुछ ना कुछ करेंगे जरूर, इस धरती को कुछ देकर जाएंगे, एक अच्छी भावना। तो इसलिए जो ये कहा गया है, जो नया कुछ दिया जा सकता है, यत्ते नवीय उक्तम मस्ते, जो भी इस दुनिया में नए से नया कथन हो सकता है जिंदगी का, मेरी जिंदगी क्या कहना चाहती है, जो नए से नया कहना चाहती है वो नया मुझे कहना है और उसे प्रकट करना है अपने शुभ कर्मों से। इस संदेश से मैंने शुरुआत की। तो दूसरी बात आपको बताई, परिवर्तन विकास। तीसरी चीज है विश्वास। ये युग विश्वास का है क्योंकि टूट रहा है विश्वास। रिश्तों में सबसे बड़ी चीज एक ही तो है जिस पर सारे रिश्ते टिके हुए हैं, वो विश्वास ही तो है। भगवान के प्रति हमारी भक्ति किस पर टिकी है? विश्वास पर टिकी है। तो परमात्मा से रिश्ता है तो विश्वास का रिश्ता है, और आपस का रिश्ता है तो विश्वास का रिश्ता है। ग्राहक का और दुकानदार का रिश्ता विश्वास का रिश्ता है। किसी कंपनी की ब्रांडिंग कितनी भी बढ़िया हो, जब तभी अच्छी रहती है, कोई ब्रांड तब बनता है जब उसका विश्वास जनता पर रहता है। राजनेता का विश्वास अगर जनता से उठ जाए
कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो क्या समझ में आता है, सारी दुनिया में एक ही चीज चल रही है, विश्वास 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 विश्वास। विश्वास के बिना कुछ भी नहीं है। तो पता ये लगा, विश्वास बने। लोग कहते हैं विश्वास किस चीज पर टिकता है, तो एक स्थान पर लिखा है कि जब दुनिया बनी भगवान ने इंसान में दो चीजें देखी, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यानृत्य प्रजापति। भगवान ने दुनिया बनाई, लोगों के अंदर दो तरह की प्रवृत्ति देखी, कुछ में झूठ देखा, कुछ में सच देखा। जिनके पास झूठ देखा, भगवान ने कहा जाओ तुम्हारा विश्वास गया। जिनके अंदर सच देखा तो भगवान ने कहा तुम्हें विश्वास का प्रसाद देता हूं, इसके कारण तुम दुनिया में सदा टिकोगे, क्योंकि तुमने सत्य को अपनाया। उसके बाद फिर कहा इतना ही नहीं, जिनके साथ सत्य है उन्हें प्रेम दे दिया गया, विश्वास दे दिया गया, श्रद्धा दे दी गई, और जिनके पास झूठ था उनसे उनको घृणा दे दी गई, और उनके प्रति निष्ठा वफादारी छीन ली गई। तो समझ में आया, पूरी दुनिया में जब किसी का पता लग जाता है एक नंबर का झूठा आदमी है, इतना ही पता लग जाए तो लोग क्या कहते हैं, भरोसे लायक नहीं है। और जो भरोसे लायक नहीं है तो व्यवहार लायक भी नहीं है, और जो व्यवहार लायक नहीं है तो रिश्ता जोड़ने लायक भी नहीं है। इसलिए समझ लेना चाहिए, जिंदगी चलेगी तो विश्वास से चलेगी। विश्वास से विश्वास पैदा होगा, प्रेम और सत्य से विश्वास पैदा होगा। पवित्रता देखी भगवान ने तो विश्वास दिया, विश्वास देखा तो पवित्रता दे दी। तो ये ध्यान रखना, जहां पवित्रता है लेन देन में साफ सफाई है तो समझ लेना चाहिए विश्वास है। लेन देन में अगर पवित्रता नहीं है तो विश्वास गया। और अगर छल चालाकी और दोगलापन अपनाए तो भी विश्वास गया। और अगर स्वार्थ आ गया बीच में तो भी विश्वास गया। तो विश्वास टिका त्याग में, कुर्बानी में, सेक्रीफाइस में। विश्वास जहां है तो वहां प्रेम है, जहां प्रेम है वहां जिंदगी है। इसलिए ये युग विकास का है और ये युग विश्वास का है। अगर आप विश्वास को बढ़ाओगे तो आपकी भक्ति बढ़ेगी। तो ये हमने तीसरी बात पकड़ी, परिवर्तन, विकास, विश्वास। मेरी बात को सामान्य ढंग से मत लेना, क्योंकि ये वो जड़े हैं जिन पर जिंदगी टिकी है, और इन चीजों को हम इस तरह से अपना लें कि जैसे अर्जुन ने कृष्ण से ये कहा, जब अर्जुन को कृष्ण पूछते हैं कि तुम जानते हैं कि आज भीष्म पितामह ने 5 बाण निकालकर अलग रख लिए हैं ये कहकर कि कल पांडवों में से कोई भी नहीं बचेगा, और तुम अर्जुन आराम से सोए पड़े हो, तुम्हें डर नहीं है। तब अर्जुन ने कहा कि जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया हो अपने गोविंद को, और जिसका विश्वास केवल एक नाम में टिक गया हो अपने गोविंद में, और जिसको प्रेम करने वाले आप हैं, तो वो निश्चिंतता से ही सोएगा, इसलिए आराम से सोया पड़ा। तो हमें इसका अभिप्राय ये मिला कि अगर विश्वास एक जगह ठीक टिका हुआ है तो चैन की नींद आएगी।
नहीं तो चैन की नींद नहीं। एक बच्चा अपनी मां पर इतना भरोसा करके बैठा है, उसे लगता है सबसे बड़ी ताकत मेरी मां है। वो मां तक पहुंच जाए तो बस इतनी ही उसकी चेष्टा होती है। दौड़कर मां के पास पहुंच गया, डराने वाला कोई भी था, सबसे डरकर भागकर मां की गोद में पहुंच गया, सिर छिपा लिया मां की गोद में और उसे लगा मैं निश्चिंत हो गया हूं। भक्त भी अपनी पूरी चेष्टा करे, अपने भगवान की गोद में आकर बैठे और वहां समर्पण कर दे तो पूरी तरह से निश्चिंत हो। तो एक जगह विश्वास। चौथी चीज, इस युग की शक्ति और हर युग की शक्ति बना रहा है प्रेम और सौहार्द। आज फिर इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, नहीं जी पाओगे आप बिना प्रेम के। उपेक्षा और अवहेलना रिश्तों में जब होने लग जाती है तो आदमी टूटने लगता है। एक ही चीज सबसे ज्यादा पकड़नी है आपको, प्रेम बढ़े, सौहार्द बढ़े। क्या करेंगे इसके लिए? हम तो बहुत प्रेम रखते हैं, हम तो बहुत दूसरों का ध्यान रखते हैं, लेकिन दूसरे तो बिल्कुल ही हमारा ध्यान ही नहीं रखते हैं, हमको समझते ही नहीं है, हमारे साथ व्यवहार भी कैसा करते हैं, तो चले कैसे? विश्व में अनाथ समस्या भयावह है, भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन के इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041, दूरभाष 011-4710-4610-28-34-5656 और 28-34-47-67, टोल फ्री नंबर 1800-11-8188। जीवन संचेतना, लाखों पाठकों की बुद्धि को सचेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली